डोकलाम पर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा, कहा कोई आता है आपको चाटा मारकर चला जाता है और आप बिना एजेंडा वाली बात करके आ जाते हैं। राहुल ने डोकलाम में मोदी सरकार की नीति को पूरी तरह फेल बताया, कहा चाइना डोकलाम में लगातार निर्माण कर रहा है। पीएम मोदी के विरोध पर राहुल गांधी का जवाब, लंदन में कहा मेरी लड़ाई सिर्फ विचारधारा से है, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल ने कहा मुझे भारत और भारतीयता की रक्षा करनी है। पीएम बनने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा फिलहाल मैं ये सपना नहीं देख रहा हूं, खुद को सिर्फ वैचारिक योद्धा के तौर पर देखता हूं। तीन तलाक कानून के बीच में रोड़ा बनने को लेकर भी राहुल ने दिया जवाब, कहा हमें तीन तलाक को अपराध घोषित करने पर समस्या है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अहंकारी नेता भी बताया, कहा मैं ये नहीं जानता जो 70 साल में हुआ सभी कांग्रेस ने किया, लेकिन कुछ तो किया होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी राहुल गांधी ने सहानुभूति जताई, कहा प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री से कोई फीडबैक नहीं लेते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के काम पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया, कहा विदेश मंत्री का काम वीजा की छटाई करना नहीं होता है। विजय माल्या पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा भारतीय जेल जैसी भी हो लेकिन माल्या जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का राहुल को जवाब, कहा डोकलाम पर देश अटल रहा पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने आर्टिकल 35A को कश्मीर के लिए जरूरी बताया, कहा देश हित में कोर्ट को इसे संविधान का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर में शांति बहाली के लिए वार्ता की नसीहत दी, कहा हुर्रियत को भी बातचीत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को हटाने के सवाल पर कहा हमारी लड़ाई देश और संविधान को बचाने की है, ना कि मोदी को हटाने की। महागठबंधन के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते सभी दलों को साथ लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अनिल अंबानी ने नेशनल हेरल्ड अखबार पर किया है मानहानि का केस, 5,000 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में छलका मुलायम सिंह का दर्द, कहा आज मेरा कोई सम्मान नहीं करता। सम्मान को लेकर मुलायम सिंह ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया, बोले लोहिया जी कहा करते थे इस देश में जीते जी कोई सम्मान नहीं करता। मुलायम सिंह ने यह बात समाजवादी चिंतक और पूर्व मंत्री भगवती सिंह के जन्म पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। मुंबई के अस्पताल में भर्ती लालू यादव डिस्चार्ज, 30 अगस्त से पहले झारखंड कोर्ट में करना होगा सरेंडर। 2019 लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी ने 9 सदस्यीय कोर ग्रुप कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में 19 नेताओं को जगह मिली है, पी चिदंबरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।